नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटर मालिक पर। और मैं हूं अरुण और आज हम रिव्यू कर रहे हैं बुलेट 350 क्लासिक का। कुछ इस तरह से ये बुलेट रहने वाली है, जिसका एक बार हम साइड प्रोफाइल और एक वॉक अराउंड आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, काफ़ी इनहेंस लगती है, काफ़ी बीस टाइप की बाइक लगती है। और इसमें मेटियोर का इंजन यूज़ किया गया है, काफ़ी तब से काफ़ी स्मूथ हो गई है गाड़ी। है कुछ इस तरह की की रहने वाली है इसकी, वेल फिट लिखा हुआ और सिंपल सी बाइक की है। आइए इसको इग्निशन में लगा ही देते हैं। आइए इसका स्टार्ट करते हैं हम इसका रिव्यू। तो सामने से आप देखेंगे तो कुछ फ्रंट प्रोफाइल इसकी इस तरह की है। और ये देखिए, ये पायलट लैंप है इसके, जो रात को काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये अपना हेडलाइट का सेटअप कुछ इस तरह का है, जिसमें हेलोजन बल्ब दिया गया है और हजार्ड लाइट का इसमें सिस्टम कंपनी की तरफ से है, जो इसके इंडिकेटर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और फुल मेटल में है ये। इधर से आप देखेंगे तो इसका जो टायर साइज़ है वो है 19 इंची, और जिसमें डुअल चैनल ABS दिया हुआ है। देखिए पीछे के टायर की हम बात करेंगे तो ये 18 इंची का है। आगे हम इसके साइलेंसर की बात कर लेते हैं, तो ये कंपनी फिटेड ही है, जो काफ़ी अच्छा है और अच्छा साउंड आता है इसमें। साइड टैंक की बात करें तो इस पर रॉयल इनफील्ड की क्रोम की वेजिंग दी गई है, और टैंक पैड कुछ मैट में दिया हुआ है, और बाकी इसका मैट ब्लैक है, जो काफ़ी अच्छा कलर लगता है। ऊपर से रेड कलर की स्ट्रिप्स दी हुई हैं, जो डार्क रेड हैं, काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और टैंक का जो कैप है वो भी क्रोम में दिया हुआ है। सीट से कुछ इस तरह की हैं इसकी। और पीछे आप देखिए, सीट के पीछे एक ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, और साइड की जो प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह की रहने वाली है इसकी। 350 cc का इसमें इंजन दिया हुआ है। पीछे देखिए आप, डुअल चैनल ABS है, तो पीछे भी इसमें एक डिस्क दिया हुआ है। और पीछे की प्रोफाइल कुछ इस तरह की है इसकी, गोल टाइप की इसकी बैकलाइट है, और इंडिकेटर कुछ इस तरह के हैं। इधर देखिए, ये फुट रेस्ट है, जिस पर भी रॉयल इनफील्ड की बैजिंग है, और साइड में क्लासिक 350 की बैजिंग है। एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर दिया हुआ है इसका। आगे की हम बात कर लेते हैं तो इसका जो लेग गार्ड है वो कुछ इस तरह का है, जिसपे आर की बैजिंग इस तरह से है। और साइड से देखने पे काफ़ी बीस्ट लुक आती है इस बाइक की। एक जो मेजर चेंज है इस बाइक में, वो आप देखेंगे कि इसमें किक ही नहीं है। तो स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ इस सैब से स्टार्ट होगी, कुछ इस तरह से। देखिए इस बहाने आप इसका साउंड भी सुन लीजिए। ये देखिए, काफ़ी रिलायबल है, और काफ़ी इसकी जो आवाज़ है इंजन की वो भी काफ़ी स्मूथ हो गई है पहले से। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो इग्निशन है उसकी। तो इग्निशन कुछ इस तरह से ऑन होता है। देखिए, जो इसका इग्निशन है वो सेमी डिजिटल है, मतलब कुछ एनालॉग है और ये डिजिटल है। ये देखिए, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिलेगी, यहाँ पे की का होल मिलेगा, और ये इसके साइड मिरर कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हेडलाइट के स्विचेस हैं, ये पासिंग इंडिकेटर है, और ये नीचे हॉर्न का सेटअप है। यहाँ पर एक आपको हिडन स्विच मिल जाता है, जो कि इसको IMD को कंट्रोल करने का काम आता है। और ये यहाँ पर आपको अपने इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन मिल जाता है, या नीचे हजार का जो बटन है वो कुछ इस तरह से है। एक बार दोबारा देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से
काम करता है देखिए। और जो स्विच साइड का बताया था हमने, जो ये वाला स्विच है उससे आप इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, ट्रिप्स चेंज कर सकते हैं देखिए कुछ इस तरह से। तो ओवरऑल बाइक काफ़ी अच्छी है। इसके डाइमेंशंस मैं वीडियो में डाल दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और साइड प्रोफाइल बाइक की देखिए एक बार, काफ़ी अच्छी लगती है बाइक और भारी भी काफ़ी है बाइक। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं आगे, काफ़ी अच्छे हैं। और पीछे वाले जो सस्पेंशन हैं वो आपको नॉर्मली मिलते हैं। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।